नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको बता देते हैं कि जो भी हमारे दोस्त इच्छुक है पीसीएस में एडमिशन लेने के लिए, संस्था ने क्या किया है, इस बार काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी है आप लोगों के कहने पर। वो दो प्रकार के बैच चला रहे हैं, एक पीसीएस प्री बैच चला रहे हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के हैं, क्योंकि कई लोगों की मांग थी कि उन्हें प्रारंभिक परीक्षा ही पढ़ना है, और दूसरा जो है वो पीसीएस का है, प्री कम मेंस का है, जिसमें दोनों चलाया जा रहा है। तो अगर आपको हमारी संस्था से जुड़ने के चाहते हैं, जुड़ने से इच्छुक हैं, जो भी बैच आपको सही लगे, चाहे वो प्री का बैच हो चाहे प्री कम मेंस हो, तो ये आपके स्क्रीन पर नंबर दिया है। ये दोनों बैच पीसीएस के ही है दोस्तों, लेकिन ये बैच जो है ये केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिया गया है, ठीक, जो प्री होता है आपका, और दूसरा जो है वो प्री कम मेंस है। तो अगर आपको यूपी पीसीएस प्री में आपको एंट्री लेना है, तो आप अपने व्हाट्सएप पे एंट्री लिखकर यूपी पीसीएस प्री लिख दीजिएगा और 9170509670 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अगर आप दोनों तैयारी एक साथ करना चाह रहे हैं, मतलब प्री कम मेंस करना चाह रहे हैं, तो सेम प्रोसेस है, आप अपने व्हाट्सएप पे एंट्री लिखिएगा, यूपी पीसीएस प्री कम मेंस लिखिएगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 9918000454, ठीक, 9918000454 पे। और जब आप मैसेज करेंगे तो हमारी संस्था के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी और आपका एडमिशन कर लिया जाएगा। अगर हम क्लास की जनरली पहली क्लास की अपनी शुरुआत करेंगे, तो वो शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से। कहां से दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता, समझिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो है क्या, पहले तो ये जानना आवश्यक है। सभी लोग जानते होंगे, बचपन में क्लास 5 या 6 की किताब में ही आ जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन आप पढ़ते होंगे किताबों में, तो आप शुरुआत जब करते होंगे हड़प्पा सभ्यता की, तो आप हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किस प्रकार करते होंगे पता है? पहले आप इनकी तिथियां निर्धारित करवाते होंगे, ठीक है, जिसमें मार्शल होते होंगे, मार्टिलर व्हीलर होते होंगे, डीपी अग्रवाल होते होंगे। उसके बाद आप फिर निर्धारित करवाते हैं कि क्या कहते हैं, ये भारत की है कि मेसोपोटामिया से ली गई है, ठीक है। फिर आप निर्धारित करवाते होंगे कि लोग आए कहां से। नहीं, हम इसको एक टेक्निकल वे में चालू करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है वो कई सारी है, हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है वो कई सारी मिलती है, ठीक, तो कई सारी मिलती तो है। यहां पर हमें अपने घर में 15 लोग हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं याद होता है, तो इतना डेट कैसे याद करेंगे। लेकिन समझिए, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि निकाली गई है, वो 3500 से 1300 ईसा पूर्व निकाली गई है। कब से? देखिए, मैं आपको समझाऊंगा, हर बात समझाऊंगा, मेरे साथ रहिए। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा निकाली गई है डेट, वो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक निकाली गई है, और यह डेट कुछ समय तक मान्य भी थी। उसके बाद एक इतिहासकार है व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने जो इसकी डेट बताई, इन्होंने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक, क्योंकि इनका यह मानना था कि लगभग 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का एक शासक था। कब? 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का एक शासक था सारगोन, जिसके समय में हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ अपनी उच्च अवस्था में था। और इनका एक और तर्क मिलता है कि 1500 से वैदिक युग चालू हो जाता है, इसीलिए 1500 ईसा पूर्व आते आते हड़प्पा सभ्यता क्या था, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। अब आप देखिए दोस्त, मैं अभी क्या कहा, समझना है, लेकिन हमारा कमीशन जो आंसर मानता है हड़प्पा सभ्यता की डेट का, वो डीपी अग्रवाल की बात का मानता है। किसका मानता है दोस्तों? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने 1964 में एक तर्क दिया था, और इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो 2350 ईसा पूर्व से होती है, और जो हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है वो 1750 ईसा पूर्व में होता है।
कब होता है? 1750 ईसा पूर्व। 2008 तक लोग 2500 से 1500 कहते थे, ठीक है, लेकिन 2008-09 के बाद जो अपडेट किताब में भी आपको जो डेट मिलेगी हड़प्पा के आगे लिखी हुई, वो डेट आपको कौन सी मिलती है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और यही नहीं, हमारा कमीशन यही आंसर भी मानता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो कब से कब तक है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये बात कही गई थी डीपी अग्रवाल के द्वारा। अब देखिए दोस्त, मैंने आपसे क्या कहा, सब अगर मैं हर चीज पढ़ा रहा हूं आपको, मैं अपने हर क्लास हर बैच में कहता हूं, अगर मैं आपको हर चीज नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक टीचर नहीं हूं, लेकिन अगर आप हर चीज पढ़ रहे हैं तो आप एक विद्यार्थी नहीं है। एक विद्यार्थी को अपनी जरूरत की चीजें ही पढ़नी पड़ती है। तो हड़प्पा सभ्यता की और भी तिथियां हैं दोस्तों, कहीं कहीं 2700 से 1700 है, कहीं कहीं पर 2500 से लेकर 1200 है, उनसे मतलब नहीं। हम आपको बता रहे हैं जो जनरली मान्य थी। मान्य मतलब क्या? ये रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा हुई थी। आपको पता है रेडियो कार्बन डेटिंग होता है जिससे हम पुरानी चीजों की आयु निकालते हैं 500 वर्ष तक। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? यूरेनियम डेटिंग करते हैं। खैर वो सब साइंस का पोर्शन है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो थी डेट, वो 3500 से 1300 ईसा पूर्व मानी गई। ये सर्वाधिक मान्य डेट थी, ठीक। उसके बाद मल्टीमर भीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व डेट दिया, क्योंकि इनका यह मानना था कि 2350 में जो मेसोपोटामिया का शासक था सारगोन, उसके समय में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार अपनी उच्च अवस्था में था। लेकिन फिर 1964 में क्या हुआ कि डीपी अग्रवाल ने एक डेट दी 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और यही डेट हमारे कमीशन के द्वारा आंसर के रूप में भी माना जाने लगा। तो आपसे किसी ने भी पूछा आज के बाद से कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब से कब तक थी, तो आपका आंसर होगा 2350 से 1750 तक। तो हमने पहला आंसर हमारा, जो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि हड़प्पा सभ्यता भारत के इतिहास में कब से कब तक है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आराम से पढ़ेंगे दोस्त, 22 जून है, बहुत समय है, ठीक है। मेरी वजह से अगर आपका 22 में से 20 सवाल सही हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, कि 20 सवाल सही होने से मतलब है कि आप 5-6 लाख रैंक ऊपर नीचे आएंगे। तो पहला जो हम ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्त, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, निष्कर्ष निकालता हूं पहले। तो हमारा जो पहला चीज निकला कि हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि थी वो कब से कब तक है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब कई सारे जो न्यू कमर हैं जिनको ये दिक्कत हो रही होगी, सर ईसा पूर्व और ईसवी में डिफरेंस क्या है, ठीक, मैं आपको समझा देता हूं। मैं मानता हूं कि ये बहुत छोटा सा सवाल है, कई लोग इस बात को नोटिस भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरी तरह जो अनपढ़ लोग होंगे उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट और ईसवी अर्थात एनो डोमनी, फॉर द डिफरेंस बिटवीन बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमनी। एकदम सरल वे में आपको समझाता हूं दोस्त, इससे सरल वे में शायद ही कोई समझाएगा। हम लोग रैशनल नंबर पढ़ते हैं, रैशनल नंबर निगेटिव पॉजिटिव वाला, तो ये जीरो है, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, और ये है 1, 2, 3 और 4, मान लेते हैं। इसको मैं नाम दे दिया ईसा पूर्व और इसको मैं नाम दे दिया ईसवी, और ये जो जीरो है, जीरो समझ लेता हूं इसी समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, मतलब जीजस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीजस क्राइस्ट के पहले का जो कैलेंडर है, ठीक, उनके जन्म के पहले का, उसको ईसा पूर्व कहते हैं, और जो जीजस क्राइस्ट के बाद का कैलेंडर है उसको ईसवी कहते हैं। खास बात क्या है ईसा पूर्व कैलेंडर की, ये हमेशा उल्टा चलता है। उल्टा मतलब समझिए, मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं वो मानते हैं माइनस चार से चालू हो रही हैं, तो माइनस चार से चार पर जाने के लिए तो उल्टा ही आएंगे ना, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, और फिर हम सीधा हो रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो इसीलिए ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो कैलेंडर थे वो आप देखिए कैसे चलते थे, उल्टे चलते थे, और उनके जन्म के बाद जो कैलेंडर आने लगे वो क्या चलने लगे, सीधा चलने लगे। तो हम अपनी क्लास में अभी तक ये सीखे कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो कई सारी दी गई, लेकिन हमारे कमीशन के द्वारा जो आंसर मान्य है वो कौन सा है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। शुरुआत करते हैं अगले पोर्शन की। देखिए मेरा एक बहुत खास है, एक बनाया हूं वो स्ट्रेटेजी। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता है भाई,
जमीन के नीचे दफन है, भाई समझने का प्रयास करिएगा, खोदा जा रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा, इसकी खुदाई की जा रही है और खुदाई कर इसको निकाला जा रहा है, तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया, तो हमको लगता है 90% लोग कहेंगे, क्या 99% लोग कहेंगे, दयाराम साहनी। लेकिन ये आंसर गलत है, हड़प्पा सभ्यता नाम किसी ने नहीं दिया है। सब बताऊंगा, समझने का प्रयास करिए। हमने आपसे क्या कहा कि जैसे मान लीजिए कि मैं पैदा कब हुआ, तो मेरी डेट तो पता चल गई 2350 से 1750 जब। अब मैं पैदा हुआ हूं तो मैंने अपने जीवन में कई सारे कार्य किए हैं, उनको जानना जरूरी हो। या मैं आया कहां से भाई, कि मैं यहां का लोकल हूं, कि मैं दिल्ली से आया हूं, कि मैं गुजरात से आया हूं, यह जानना जरूरी है। लेकिन यह सब जानने के पहले यह जानना है कि मेरे बारे में बताया किसने है। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता की जितनी सभ्यताएं थी वो जमीन के नीचे दफन थी, तो उनके बारे में जानकारी किसने दी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो देखिए, दयाराम साहनी नहीं होगा दोस्तों, फिर आंसर गलत मत करिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, यह मुद्दा उठता है। ठीक, तो हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेंसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स मेंसन ने दिया था। लेकिन लोगों ने इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, लोग कहे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इंपॉसिबल है। फिर क्या हुआ दोस्तों कि 1853 में कहीं कहीं 76 भी मिलेगा, कहीं कहीं 63 भी मिलेगा, तीनों डेट मिलेगी, कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए ये डेट पूछा भी नहीं जाता है। हुआ क्या कि कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रही थी। कहां से? कराची से लाहौर तक। ब्रिलियम ब्रैंटन लोग, कई लोग थे इस समय लाइन बिछाते समय। तो जब खुदाई हो रही थी लाइन बिछते वक्त, तो उसी समय इनको कई सारे रोड़े मिले, तमाम प्रकार की ईंटें मिली, अभी यही जान के रखिए। लेकिन इसी खुदाई के दौरान एक व्यक्ति मौजूद थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक श्रृंगीय हिरण वाली मुहर मिली। एक श्रृंगीय मतलब एक सींग वाला हिरण। अगर अभी भी नहीं समझ पाए होंगे तो मोहन जोदाड़ो पिक्चर अगर ऋतिक रोशन की देखे होंगे तो वो हाथ में लेके घूमता रहता है, सेम प्रकार का। तो क्या हुआ कि इनको, इन महाशय को एक मुहर मिली जिसे एक श्रृंगीय हिरण वाली मुहर कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं लेकिन ये जो डेट आप सब देख रहे हैं ये सब डेटे कब की है दोस्तों? आधुनिक भारत की। कहने का मतलब प्राचीन भारत भी कब खोजा गया? आधुनिक भारत में। और इस समय भारत पर शासन किसका था? अंग्रेजों का था। तो कहने का मतलब जितने भी क्रियाकलाप किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? अंग्रेजों के द्वारा। पहला डाउट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम को एक श्रृंगीय हिरण वाली मुहर मिली तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के तहत इसकी जांच होने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन बना तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1904 में कहीं कहीं 3 भी मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों डेट एक साथ नहीं पूछा जाएगा। 1904 में कर्जन ने भारत में किस विभाग का गठन किया? पुरातत्व विभाग का गठन किया। किस विभाग का? पुरातत्व विभाग का गठन किया। कहीं कहीं अलग भी डेट, तो वो जो अलग जगह है ना, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो विभाग नहीं है। कर्जन के बारे में जब आपको वायसराय पढ़ाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसने पुरातत्व विभाग का गठन करवाया था। तो इसने पुरातत्व विभाग का गठन किया, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग का गठन क्यों किया? भाई चीजों की खोज के लिए। और जॉन मार्शल इसी के समय में थे जो कि हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई के समय दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी की सहायता किए थे। तो क्या हुआ भाई, ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं, हमने कहा एक मुहर मिली, चलो फावड़ा लेके खोदने लग गए, ऐसा तो है नहीं। नहीं, किसी चीज को खोजने के लिए किसी ना किसी विभाग का तो गठन करना पड़ेगा। इसीलिए पुरानी चीजों को खोजने के लिए किस विभाग का गठन हुआ भारत में? पुरातत्व विभाग का। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ये एक श्रृंगी हिरण वाली मुहर मिली थी क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिनको ऐसी कोई पुरानी चीज मिली। और हो सकता है याद करने के लिए ये कह सकते हैं कि इन्हीं की बातों को आधार बनाकर पुरातत्व विभाग का गठन हुआ,
यही कारण है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का क्या कहा गया, पिता कहा गया। मतलब पुरातत्व विभाग के पिता कौन हुए, अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व विभाग का गठन कब हो रहा, 1904, कहीं कहीं 1903 भी मिलता है। किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में। अब इन चीजों से क्या हुआ कि हमें किसके बारे में जानकारी मिल गई, हमारा टारगेट क्या है, हड़प्पा को खोजना, ठीक। तो हमें किसके बारे में जानकारी मिल गई दोस्तों, हड़प्पा के बारे में। अब हम आगे एक खास बात आपको बताते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। कर्जन के समय इस विभाग का गठन हुआ और क्या मिला, हड़प्पा। अगर हम चीजों को इतने पे छोड़ दें या इतना ही पढ़ा दें तो ये इतिहास हो जाएगा, लेकिन आपको कई सारे सवाल विविध के भी पूछे जाते हैं जो आपके लूसेंट के पीछे रहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारत के पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहां है, तो आप फट से कह देते हैं कलकत्ता। नहीं, पहले कलकत्ता था। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त कि अगर हम विविधों को अपनी चीजों की, क्योंकि यहां पर मैंने पुरातत्व विभाग के बारे में बात की है, तो क्यों ना इससे जुड़ी हुई बातें जान ले। तो पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है वो पहले कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, नई दिल्ली में। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि भारत में पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहां है, तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। लेकिन अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे, हो सकता है यूपी में इसको रिलेट करके पूछ लेगा कि भारत का नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहां है, तो आपका आंसर हो जाएगा आगरा। लखनऊ मत करिएगा, हर चीज लखनऊ में नहीं रहेगी। तो भारत में पुरातत्व विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में हो गया, और उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहां हो गया, आगरा में। तो हम पहली बात तो हड़प्पा की डेट सीखे, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। फिर सबसे पहले जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मेंसन ने। देखिए, रॉबर्ट ब्रूको के बारे में भी नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, प्राचीन पूछा भी नहीं जा रहा है, आवश्यक भी नहीं है, जो होगा हम समझाते चलेंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा गया, पुरातत्व विभाग का पिता कहा गया। और पुरातत्व विभाग का जो गठन हो रहा है वो 1903 या 1904 में किसके शासनकाल में हो रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम के। तो कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमने हड़प्पा की डेट निकाली और हड़प्पा की जानकारी ली। अब अगर हड़प्पा की जानकारी मिल गई है तो लॉजिक सी बात है कि हड़प्पा जो है वो एक सभ्यता है, और सभ्यता जो होता है वो संस्कृति का सुदृढ़ रूप, मजबूत रूप होता है। तो अगर वो मजबूत रूप होता है, संस्कृति का मजबूत मतलब संस्कृति का दृढ़ रूप होता है, तो संस्कृति का विकास भी होगा, और संस्कृति के विकास के लिए लोगों का होना भी आवश्यक है। समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं हड़प्पा सभ्यता का विकास कर रहा हूं, क्योंकि जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे होगा, समझिएगा मेरी बात दोस्तों। और आज जो बात बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि मैं, भाई आप लोग पीसीएस तैयारी करने वाले हो, आप लोग बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये शायद ही कोई बताए, क्योंकि ये बीटेक के लड़के के दिमाग के ऊपर है जो बताऊंगा अभी। तो कई सारे इतिहासकारों के अपने अपने मत थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये मेसोपोटामिया के सुमेराई इलाके से आए हैं, ठीक, तब हमारी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। कई सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। कुछ ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से ली गई है। अब कई लोग कहेंगे, सर इतिहासकार के नाम बताइए, तो उसमें थे क्या कहते हैं, मार्शल थे, राखल दास बनर्जी थे, दयाराम साहनी थे, व्हीलर थे, ये लोग थे। तो इनका ये कहना था कि, बस पहले समझिए दोस्त, सारी चीजें आपको बताएंगे। इनका यह कहना था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से ली गई, क्योंकि दोनों नगरीय सभ्यता थी कुछ अंश तक, ठीक, और दोनों नदी के किनारे स्थित थी। लेकिन कुछ हमारे भारतीय इतिहासकार भी थे, जैसे कि मजुमदार जी थे, ठीक है, आरसी मजुमदार थे, उसके बाद क्या कहते हैं मुल्ला जी थे, इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता अलग है और मेसोपोटामिया सभ्यता अलग है, क्योंकि इसके इनको उन्होंने जो तर्क दिए, समझने का प्रयास करिएगा। इन्होंने कहा कि जितनी ईंटों का प्रयोग हड़प्पा में हुआ था उसका नगण्य मात्र का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ था। इवन ये तो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के थे और वहां के मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के थे। उसके साथ साथ वहां पर मंदिर के साक्ष पाए गए थे, हमारे यहाँ मंदिर के साक्ष नहीं मिले थे। उसके साथ साथ मेसोपोटामिया पितृसत्तात्मक समाज था और हमारा हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था।
तो ये जो कुतर्क पेश किए गए कि हड़प्पा सभ्यता हमारी है या मेसोपोटामिया से ली गई है, तो इसमें ज्यादातर बातें उनकी मानी गई हैं जिन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी है जिसका विकास हमने स्वयं किया है। लेकिन हम अपनी सभ्यता का विकास स्वयं करेंगे तो उस विकास के लिए लोगों का कहीं ना कहीं से तो आना भी होगा। ये सब सवाल पहले पूछे जाते थे। लेकिन दोस्तों एक खास बात बताते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा कि हम इतने विभिन्न प्रकार के क्यों हैं? मतलब कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी, ऐसे क्यों हैं? बाकी सब देश में तो सिमिलर लगते हैं। नहीं सोचे कभी आपने सोचा कि भारत का उत्तरी हिस्सा अलग हो जाता है, दक्षिणी हिस्सा अलग हो जाता है, ऐसा क्यों? आप कहेंगे जलवायु। जलवायु भी इसका कारण है, जीन भी इसका कारण है, लेकिन इसका कारण यह भी है। किताबों में जो एक लाइन में चीजें लिख दी जाती हैं, वो आज मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। किताबों में लिख दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में यूरोप से मंगोलाइट्स, जापान से अल्पाइन, अफ्रीका से भूमध्य सागरी और ऑस्ट्रेलिया से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जातियां भारत आई थी, जिसमें सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट आए थे और सर्वाधिक मात्रा में कौन आया था? भूमध्य सागरी आए थे। लेकिन इनके आने के बाद, देखिए हमारा जो संविधान है वो भी बहुत जटिल है, लचीला भी है, हमारे यहां विभिन्न प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के लोग भी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्या है? हमारा कानून भी सबके लिए एक समान है लेकिन अप्लाई अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? यहीं से शुरुआत होती है हमारी सभ्यता की, हमारे लोगों की। ये बस समझने के लिए हमने बनाया दोस्त, समझिएगा। इसे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मतलब मान लेते हैं कि हमारा भारत ऐसा है, कुछ ऐसा मान लेते, ऐसा है नहीं, हमारा भारत लाजवाब है पर हम ऐसा मानते हैं। ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। एग्जाम्पल समझिएगा, भारत किस महाद्वीप में है दोस्त? एशिया महाद्वीप में। और एशिया के बगल जो महाद्वीप है वो क्या है? यूरोप है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप और मध्य एशिया, अलग अलग तर्क हैं। यूरोप और मध्य एशिया से जो जाति भारत आई थी वो कौन सी थी? मंगोलाइट्स थी। ठीक, मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम को दोस्तों, हिंदी की मात्रा में हेरफेर होगा, सुधार कर रहा हूं उस पर, उसके क्षमा चाहता हूं। तो यूरोप से जो आई थी वो थी मंगोलाइट्स थे। यहां पर जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। यहां से जो जाति आई थी वो थी भूमध्य सागरी। ठीक, यहां पर जापान वगैरह है। यहां से जो जाति आई वो थी अल्पाइन। और यहां पर महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और यहां से जो जाति आई थी उसे कहा गया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। अब इनकी हम व्याख्या करते हैं आपको, ठीक, थोड़ा सा लेंदी नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात बहुत अच्छी सिखा हूं कि एक बार पढ़ लो फिर खत्म कर दो चीजों को, क्योंकि और भी तो नया पढ़ना है, बार बार एक ही चीजें पढ़ के क्या फायदा। इनकी व्याख्या करते हैं मंगोलाइट्स की। इनकी औसतन हाइट जो होती है दोस्त 5.5 फीट से 6.5 फीट होती है। अब यूरोपीय इंग्लैंड प्लेयर को देख लीजिए, लंबे लंबे होते हैं, चौड़े चौड़े, ठीक। उसके साथ साथ ये जो होते हैं ये इनके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है, मतलब ये फॉर्मल ड्रेसअप में रहते हैं। उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व पर जो शासन करने वाले जो थे वो कौन थे? यूरोपीय। फूट डालो राज करो, मतलब सबसे ज्यादा राजनीतिक लोग भी कहां थे? यूरोप में थे। इनकी जो औसतन हाइट होती है वो होती है 5.8 फीट से 6.8 फीट। अफ्रीकन को देख लीजिए, थोड़े काले काले होते हैं, नीग्रो टाइप के होते हैं, ठीक। इनकी जो औसतन हाइट होती है वो 5.2 फीट से 6.2 फीट होती है। इनकी बॉडी एक स्केल की तरह होती है, इनके बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को देख लीजिए आप, जैसे ब्रेटली को 15 साल पहले देखे होंगे, ब्रेटली आज भी वैसा लगता है। ये हटाइए, जैसे आप रिकी पॉन्टिंग को देख लो, रिकी पॉन्टिंग को सकता है कि 20-22 साल पहले देखे होंगे, रिकी पॉन्टिंग आज भी वही लुक रखता है। उसके साथ साथ ये है जापान के जो होते हैं, इनकी औसतन हाइट 4 फीट से 5 फीट होती है। ये छोटे होते हैं, कुंगफू मार्शल आर्ट ये सब करने में तेज होते हैं। अब हमारी सभ्यता का उदय होगा और हमारे भारत देश का उदय होगा। यहां से ये आए, ये आए, ये मिले और उत्तर भारत का उदय हो गया।
इसलिए उत्तर भारत में कोई लंबा कोई छोटा, किसी की आंखें बड़ी, जापान वालों की आंखें छोटी छोटी होती हैं, किसी की आंखें छोटी, ठीक। सबसे ज्यादा क्राइम रेट और राजनीति कहां पर? उत्तर भारत में। बात बात पर झगड़ा करने वाले लोग कहां पर? उत्तर भारत में, क्योंकि कुंगफू मार्शल आर्ट ये सबका डेवलप कहां हुआ? जापान में। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनती लोग भी कहां पाए जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय लोग मेहनती थे, उत्तर भारत में पाए जाते हैं। यहां से ये आए, ये आए, ये मिले और दक्षिण भारत का उदय हुआ। दक्षिण भारत की मूवी आप देखते होंगे, उनके विलन्स को देख लीजिए, गुंडों को, जो विलन होते हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े काले काले भयानक टाइप के होते हैं। और आप दक्षिण भारत के किसी भी हीरो को देख लीजिए, किसी भी हीरो को, वो उनकी बॉडी हर मूवी में सेम रहती है, वो आपके आमिर और सलमान की तरह फुला पचका नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता या भारत का जो उदय हुआ वो इन्हीं विभिन्न महाद्वीपों से आई हुई जातियों के कारण हुआ, जिसमें सबसे पहले कौन आए थे? फर्स्ट वो थे प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, और जो सर्वाधिक मात्रा में आए थे वो कौन थे? भूमध्य सागरी, और इन्हीं को क्या कहा गया? द्रविड़ कहा गया। आप अपना घटना उठना चक्र जो भी चाहे उठा के देख सकते हैं, ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन सी जातियां आई थी, तो प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, और सर्वाधिक मात्रा में कौन आए थे, तो वो थे भूमध्य सागरी, जिनको क्या कहा गया? द्रविड़। तो अब हमने हड़प्पा सभ्यता खोज लिया, हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लाभ भी दिया। अब जब लोग आएंगे तो लोग रहने के लिए क्या करेंगे? आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो रहने के लिए क्या करते हैं? रूम खोजते हैं। उसी प्रकार जब ये हमारे क्या आएंगे तो लॉजिक सी बात है, ये भी रहने के लिए मकान बनाएंगे, और जब ये रहने के लिए मकान बनाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? हड़प्पा नगरीय सभ्यता। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, आज बहुत कम हमने पढ़ा, लेकिन हम क्वेश्चन को पकड़ने की चीजों को समझ गए कि कैसे पेपर अपने पैटर्न अपनी चीजों को चेंज कर रहा है, उसको उसी हिसाब से तैयार करना है, उसी हिसाब से पढ़ना है दोस्तों, ठीक। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में इतना ही, आप इसको देखिएगा वीडियो को और अपना रिवाइज करिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक अपने सेहत का ध्यान रखिए, ठीक, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।